Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your work very well. So in last class beta, we have written very short and short answer type questions. In today's class, we will write long answer type questions. So take your notebook, pen, pencil and be with me, write down with me. So first question is define exhaustible and inexhaustible natural resources and give two examples of each. ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? पहले ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखोगे, देन यू विल राइट डाउन आंसर नंबर वन. और आंसर नंबर वन क्या है आपका? आंसर नंबर वन. एंड बेटा राइटिंग वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. I request to all of you. So first we will define exhaustible natural resources. आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना फेयर नोटबुक में, देन उसको अंडरलाइन करोगे अच्छे से. सो the resources, write down with me, the resources which are present in a limited quantity, jo limited quantity mein khatam ho sakte hain, which are present in a limited quantity aur banne mein karodo saal lagate hain, theek hai, and are likely to exist and will be deplete after a period of time are called exhaustible natural resources. जो resources limited quantity में है और एक time के बाद खत्म हो जाएंगे, उन resources को क्या बोलते हैं बेटा? Example कौन कौन से हैं बताओ मुझे, chapter पढ़ चुके हो. Petroleum, coal, नेचुरल गैस, सभी क्या है आपके? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. मिनरल्स, ओके, नोट डाउन. अब डिफाइन, इसके बाद बेटा नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, आप पॉज करके और फिर राइट डाउन कर सकते हो अगर कोई साथ साथ नहीं लिख पा रहा है तो. देन नॉन exhaustible natural resources like this, then underline this. Okay, so the resources, which are present in an unlimited quantity, in nature and cannot be depleted by human activities spellings pe dhyan dena beta human activities are known as non-exhaustible natural
resources. Example, wind, sunlight, natural resources है ना, खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है. वाटर एटसेट्रा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज नोट डाउन इट बेटा. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज वुड कन्वर्टेड इन टू कोल इन साइड द अर्थ, कि भाई अर्थ के अंदर वुड कैसे चेंज हो जाती है कोल के अंदर, मीन्स कोल कैसे बन रहा है वुड से. सो कैसे बनता है, बाय एनरोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है. इसको इरेज कर रही हूँ बेटा, सो दैट वी कैन राइट क्वेश्चन नंबर टू. सो आंसर नंबर टू, राइट डाउन, वुड converted into coal, into coal inside the earth, by following steps. Like this. Then you will write down number one. ठीक है बेटा, बिग प्लांट्स और ट्रीज गॉट बर्ड इनसाइड द अर्थ million of years ago. कि बहुत करोड़ों सालों पहले पेड़ दब जाते हैं भाई, ठीक है. देन थर्मल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या है बेटा, जो सनलाइट है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट होएगी, थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड स्टार्टेड इनसाइड द अर्थ. थर्मल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी. After that, number three, wood under effect of high temperature and pressure. May I erase it? Effect of high temperature and pressure in absence of air convert into coal, ठीक है, by process of carbonization, by process called कार्बनाइजेशन. और जितना हीट और प्रेशर बढ़ती है उतना बेटर क्वालिटी का हमें कॉल मिलता है. तो वुड था, ऐसे लाइन, एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखोगे, ऐसे एरो लगाना है, हीट और प्रेशर की वजह से किसमें चेंज हो जाता है, कॉल. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा.
राइट डाउन बेटा, नोटेड इट। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ कोल गैस इज फॉर्म, कोल गैस कैसे बनती है, तो राइट डाउन कोल गैस इज फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो देन क्या बनती है आपकी कोल, कोल गैस। नो बेटा इरेज़ इट। Component of active component of coal gas are hydrogen, number 2 methane, सबका molecular formula लिखोगे साइड में, H2CH4 कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड CO। दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट बेटा जो हीट प्रोड्यूस करेंगे, जो जिनको हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे हम नाइट्रोजन को मेंशन नहीं करेंगे, सो दिस इज आंसर नंबर 3। नोट डाउन इट बेटा। After writing it, you will draw the diagram. Destructive distillation of coal in laboratory. आप यहाँ पे इसके बाद draw करोगे, ठीक है? जिन बच्चों ने अगर first page पे draw कर दिया है, then okay. अगर नहीं किया है, तो इस question के बाद आप इस diagram को draw करोगे. That is destructive distillation of coal in laboratory. That in किस पे present चाहिए? On page number 84. I hope आपको ये बात समझ आ रही हो. The last long answer type question है. How is petroleum formed inside the earth? Petroleum ki formation nahi beta. You will write down the fractional distillation of petroleum. Question ko change karo. Question number 4 hai, how is petroleum formed inside the earth? You will write down, question likho. Question number 4 kya hai? How is petroleum refined in refinery? This will be your question number 4. Aur answer likhoge, petroleum is refined into various product by the process of fractional distillation, by the process of fractional distillation. Then next time se likhna beta, fractional distillation separate the component of petroleum on the basis of
difference in their separate the volatile component. Volatile beta, जिनके vapors बन सकते हैं, volatile component of petroleum on the basis of difference in their boiling points. ये लिखने के बाद आप ये diagram draw करोगे fractional distillation of petroleum. ये सभी के boiling point mention कर रहे हैं और क्या क्या मिलता है हमें, fuel oil, diesel oil, kerosene, gasoline और gas. ये आपको draw करना है after writing this. जिस बच्चे ने नहीं किया बेटा, मुझे नोटबुक से साफ पता चल जाएगा कि कौन अच्छे से वीडियो देख के काम कर रहा है और कौन कॉपी कर रहा है. ठीक है, देन आप डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. ई पार्ट, ई पार्ट में मैं डिफाइन करवा देती हूँ. सी एन जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कंप्रेस्ड, ये नहीं आएगा, अंडर हाई प्रेशर टू ऑब्टेन सी एन जी इट इज यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स. In automobiles as it is environment friendly fuel. Write down this much for it. ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और आप मुझे सभी यहाँ तक राइट डाउन करके पिक्स क्लिक करके अच्छे से और मुझे सेंड करोगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है, सो कंप्लीट योर वर्क एंड योर वर्क मस्ट बी इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ठीक है, इन सभी के मार्क्स मैं आपके जो मैं सबकी नोटबुक का डाटा रख रही हूँ कि कौन कैसी नोटबुक सेंड कर रहा है. ओके, तो जिसकी जैसी नोटबुक होगी उसको वैसे ही मैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दूंगी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में. Thank you. Have a nice day.